मैं देखता रहता हूँ जिन लोगों ने मूर्ति पूजा बंद करवा दी कि मूर्ति की पूजा मत करो, मूर्ति का ये पूजा पाठ बंद कर दो, दीपक मत लगाओ। आज लोग उनकी मूर्ति लगा करके दीपक लगा रहे हैं। स्वामी दयानंद से लेकर के विवेकानंद तक, कबीर जिन्होंने मूर्ति की इतनी निंदा कर दी, आप उठा करके देखोगे उनकी मूर्ति के आगे ही 100-100 दीपक लगाए जाते हैं और बोलते हैं कबीर परमात्मा है। अरे मूर्ख लोगों, जिन्होंने मूर्ति को मना कर दिया साक्षात की मूर्ति पूजा करनी ही नहीं, उन्हीं को भगवान बना करके हम उनकी पूजा कर रहे हैं। उन्होंने रास्ता दिखाया परमात्मा का संतों ने, लेकिन हम समझ नहीं पाए, हम उस रास्ते पर चल ही नहीं पाए, हम चलना ही नहीं चाहते। इसी प्रकार से घुमाते रहते हैं, भटकाते रहते हैं कि जिसने जो कार्य बंद करवाया उसके पीछे उसी के नाम के ऊपर पंथ मजहब शुरू हो गए। नानक जी ने भी प्रयास किया कि हिंदू और मुस्लिम दोनों धर्मों का तालमेल बैठा करके कुछ ऐसे रचना की जाए, कुछ ऐसा किया जाए, ऐसा रास्ता दिखा दिया जाए कि वो सीधे परमात्मा के मार्ग तक पहुंच जाए, बीच में कोई इसको रोके नहीं, टोके नहीं, सीधा एक ही रास्ता हो जाए, दूसरा रास्ता बचे ही नहीं। इस प्रकार से प्रयास किया, लेकिन हुआ क्या, तीसरा धर्म खड़ा हो गया, अलग धर्म बन गया। अब आगे आने वाले टाइम में भी नए धर्म की शुरुआत होगी, हर रोज नए धर्म बनेंगे, कोई धर्म कभी बन जाएगा, कभी बन जाएगा, लेकिन ये रास्ता नहीं है। ये कैसे धार्मिक बन जाओगे आप, बस इतना हो जाएगा, नियमों में बंध जाओगे, इससे आगे कुछ नहीं है। लेकिन कुछ लोग किसी के अंदर एक शब्द खोज लिया उसके पीछे भागते रहते हैं। आज नानक जी की जयंती, मुझे ध्यान आ गया कि एक कि नानक जी के गुरु भी कबीर थे, वो एक ही काम लगा रहता है कि कोई भी जो बोलता है, जो सिद्ध हुए, जिन्होंने साधना की, जिन्होंने प्राप्ति की, उसी के नाम के आगे कबीर लिख देता है, कभी आगे से कभी पीछे से। ऐसा नहीं होता, उन्हें ये समझना चाहिए कि ये इतना ही नहीं है, बहुत आगे है। जितनी सोच है ये छोटी सोच है। जब तक आप अपनी सोच को नहीं फैलाओगे, जब तक आप अपने वेदों को नहीं समझोगे, जब तक उनका सार नहीं पता करोगे, जब तक आपको इस चीज़ का, इस ताकत का, इस शक्ति का, नाम का, परम तत्व का, पूर्ण ब्रह्म का अंदाज़ा भी नहीं आ सकता, पहुंचना, खोजना, जानना तो बहुत दूर की बात है। तो साधना के बिना उस मार्ग पर नहीं चला जा सकता।